हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और घर पे बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते, तो इसलिए मैं आज आपके सामने देसी बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको सिर्फ इन चार इंग्रेडिएंट्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको चाहिए होगा दूध, मैंने यहाँ पर 1 लीटर ले लिया है, और यहाँ पर जो मैंने दूध लिया है उसकी मलाई अलग नहीं की है, मलाई इसी दूध में है। साथ में बादाम ले लिए हैं गार्निश करने के लिए, इलायची ले लिया हरी इलायची जिससे टेस्ट इसका ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और साथ में चीनी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद हम अपना जो दूध है वो सारा का सारा डाल देंगे, और इसको अच्छे से अब गैस पे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से गैस पे उबलने देंगे, जब तक ये कम होना स्टार्ट ना हो जाए। और साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हिलाते भी रहेंगे बीच बीच में, ताकि जो आपका दूध है वो नीचे लगना ना स्टार्ट हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, 15 मिनट तक इसको अच्छे से उबलने देना है, और बीच बीच में हमने इसको हिलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं आपका दूध जो है वो अच्छे से उबलना स्टार्ट हो गया। अब आपने इसको अच्छे से हिलाना है, और फिर उसके बाद फिर से इसको उबलने देना है। हिलाना इसलिए पड़ता है ताकि आपका जो दूध है वो नीचे लगना ना स्टार्ट हो जाए। तो हमने इसको अच्छे से फिर हिला लेना, और हिलाते हिलाते इसको अच्छे से पकने देना। देख सकते हो अब आप जो आपका दूध है वो कम होना स्टार्ट हो गया, और उसके साइड साइड पे मलाई लगना स्टार्ट हो गया। तो हमने उस मलाई को अच्छे से हटा लेना और दूध में मिक्स होने देना, और इसको ऐसे ही करते करते हमें इसको अच्छे से गड़कते देना चाहिए, तब तक जब तक आपका दूध बिल्कुल कम नहीं हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो हम गड़का रहे हैं इसको लो फ्लेम पर गड़का रहे हैं, तेज पे नहीं गड़काना है, धीमी आंच पे इसको होते देना है, गड़कने देना है। अब आप देख सकते हैं आपका जो दूध है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, और आप उसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कैसी होने लग गई है, गाढ़ा होने लग गया। अब इसको अच्छे से पकने देंगे। इसको अच्छे से अब हमने पकने देना है, और इसको देखना आप पकाते 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 एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि आपका जो दूध है इतना गाढ़ा हो जाएगा कि उसकी बर्फ़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। हमने उस पॉइंट तक पकाते रहना है अच्छे से। अब आप देख सकते हैं आपका जो दूध है कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। आपने 1 लीटर दूध दिया था, और उसका 1/4 दूध रह चुका है। तो इस टाइम पे अब आपने इसको अच्छे से धीरे धीरे हिलाते रहना है। ये इतना गाढ़ा हो चुका है कि अब ये अपनी मावा की शेप लेना स्टार्ट हो चुका है। बस अब आप इसको अच्छे से हिलाते रहोगे कुछ देर तक, जब तक ये मावा बन रहा है। तब तक हम क्या करेंगे, जिसको लोग खोया भी बोलते हैं, जब तक ये खोया का रूप ले रहा है तब तक हम इसमें अपनी पिसी हुई इलायची डाल देंगे, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको अच्छे से हम धीरे धीरे पकाते रहेंगे। और आपको याद रखना है, ये जो आप पका रहे हो ये बिल्कुल लो फ्लेम पे है, क्योंकि बर्फ़ी बनानी हो तो आपको दूध को हमेशा लो फ्लेम में ही गड़काना या काढ़ना होता है। और आप देखिएगा इसका कलर भी कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, सुनहरा कलर हो रहा है। दूध का कलर वाइट होता है, बट ये वाइट नहीं है, ये ब्राउनिश कलर है, जिसको कहते हैं कड़ा हुआ दूध। जब कड़ता है दूध तो आप देखते हो ना, दूध का कलर चेंज हो जाता है, बस ब्राउनिश कलर का होने लग जाता है, ये भी वही है। और अब आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, और धीरे धीरे आपका जो दूध है वो अब मावा का फॉर्म ले रहा है, मतलब खोया बन रहा है, और खोया बन के वो बर्फ़ी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर अपनी जो चीनी है वो भी डाल देंगे। हमने अपनी चीनी भी डाल दी है, और अच्छे से अब इसको मिक्स होने देंगे, और इसको और अच्छे से गड़काते रहेंगे। बट अब याद रखिएगा, अब हमें इसको अच्छे से हिलाते ही रहेंगे, अब हमें इसको हिलाना नहीं छोड़ना है, और इसको हिलाते रहना है। अब मैंने अपना एक बर्तन ले लिया, जिसके ऊपर मैंने अच्छे से घी लगा दिया चारों दिशाओं में, और अब हम अपनी बर्फ़ी को देखते हैं। अब आप देख सकते हो आपकी जो बर्फ़ी है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। सॉरी गाइस, स्टीम आने की वजह से आप लोगों को थोड़ा धुंधला दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट।
अब आप देख सकते हो आपकी जो बर्फ़ी है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है। जो आपका दूध है उसने खोया का रूप ले लिया, देखिए कितनी गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हो मैं हिला रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा मेरे हिलाने पे। अब हमने इसको सिर्फ एक दो मिनट के लिए और पकाना है और आपकी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी, देसी बर्फ़ी जिसे कहते हैं। अब ये बन चुकी है, अब हम बंद करेंगे अपनी बर्फ़ी को और उसको अपने मोल्डिंग में डाल देंगे। ऐसे ही करते करते अपनी सारी बर्फ़ी हम निकाल के अपने मोल्ड में डालते जाएंगे। मोल्ड में डालने के बाद हम इसको अच्छे से गार्निश कर देंगे बादाम के साथ। और गार्निश करने के बाद हम इसको अब क्या करेंगे, फ्रिज में अच्छे से 2 घंटे के लिए सेट होने देंगे और 2 घंटे सेट होने के बाद हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी।